दीजिएगा बेटा। न्यूमेरिकल आपको दिया गया है बेटा, एक कॉपर वायर, एक कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर एट ए टेम्परेचर, एट ए टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 10 रेज पर माइनस 8 ओम मीटर एंड टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 1.45 इंटू 10 रेज माइनस 8। ये आपको बेटे पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, आपको वर्कआउट करना है रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का जो बेटा रिलेशनशिप है सारे स्टूडेंट्स को पता है, याद है ना बेटा? अंकिता, बलजिंदर, भूमिका, केशव, माधव, पलक, बेटे टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस की वेरिएशन का फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं? एनीवन फ्रॉम योर साइड कैन टेल? ओशिन, इकजोत, दिलप्रीत, वृंदा, तृप्ति, सिमरप्रीत, सजल, समीक्षा, राघव, 28 रोल नंबर एंड 29 रोल नंबर दोनों राघव, बेटे टेम्परेचर के साथ वेरिएशन वाला फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं बेटे? डियर ऑल, बच्चों आप बताओगे तभी फिर आगे चलेंगे ना। राघव, ठीक है बेटा, आपने टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन का कंसेप्ट है बच्चों डिस्कस कर रखा है, आर एट द टेम्परेचर टी, ये आपका हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इमेजिन कर लीजिए, आर एट द टेम्परेचर टी नॉट, ये लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इमेजिन कर लीजिए, टी आपका हायर टेम्परेचर, टी नॉट आपका लोअर टेम्परेचर, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और द वायर हुआ करता है। आपने कर रखा है राइज इन द रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर टी नॉट, दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर टी नॉट। एक बात आपने की हुई है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन आर टी माइनस आर टी नॉट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर, एंड इनको दोनों फैक्टर्स को आप कंबाइन किया करते थे बेटा और आपके पास क्या बन जाया करता था, लेट अस फोकस अपॉन दिस, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट, दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट इनटू चेंज इन द टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट, ये आपने बच्चों किया हुआ है। आपको आर
एट द टेम्परेचर टी चाहिए, इट विल बी इक्वल, इसको उधर ले जाइए शिफ्ट करके, लेकिन उससे पहले इसको हटाइए, आर टी नॉट दिस इज इक्वल टू, यहां पर आपका कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अल्फा आ गया, जिसको आप टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं बेटा, दिस इज आर टी नॉट एंड दिस इज टी माइनस टी नॉट, इट विल बी देयर बेटे। अब आप क्या करिए, आर टी निकाल लीजिए, दिस इज आर टी नॉट प्लस अल्फा आर टी नॉट टी माइनस टी नॉट, दिस इज देयर। ये आप अगर कोई फैक्टर कॉमन ले सकते हो तो एडजस्ट भी करिए, आर टी नॉट को आपने कॉमन ले लिया, वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, यू कैन राइट इन दिस वे। और ये कंप्लीट करने के बाद अब तो फिर बेटे वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करने वाली पड़ी है ना, रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पर आपको निकालना है, इसको आप आर रहने दीजिए, आर टी रहने दीजिए, दिस इज इक्वल टू, लेट मी टिल्ट दिस कैमरा, दिस विल, सो आर टी ऐसे ही आ गया, आर टी नॉट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 ओम है सॉरी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 प्लस अल्फा, अल्फा आपको गिवन है 1.7, 10 रेज़ पर -8, टी 50 माइनस 20, तो ये आपके पास बच्चों चीज बन गई, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 20 1 प्लस 1.7 × 10⁻⁸ × 30 एंड आर टी 50 डिग्री पे 20 1 प्लस 30 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.1 × 10⁻⁷ आ जाएगा जी, सो आर टी ये आ गया जी 20 प्लस, ये आ गया 100, 10⁻⁵ बचा जी बाकी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी बन गया जी, ये इसमें ऐड कर दीजिए बेटे 1, तो आपका ये रेजिस्टेंस जो है बेटा ये देखिए 20 से ज्यादा आ रहा है, आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज मोर देन द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी 9 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से बेटे आप ये वाली टाइप के न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर सकते हैं। सो मे आई होप कि क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को बेटा, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, बच्चों चेक कर लीजिए सारे स्टेप्स को और बताइए सारे बच्चों को बेटे क्लियर है, वेरी गुड बेटा। चलिए बेटे आगे चलते हैं, देन एक और इसी टाइप का है न्यूमेरिकल, वो फिर आप करके देखिएगा, मैं स्टेटमेंट पार्ट बेटे लिख देता हूं, आइए जरा कंसंट्रेट करें। ये आपका अल्मीनियम वायर की आपको स्पेसिफिकेशन दे रखी है, लेट मी राइट डाउन द प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट लिख दूं फिर आप इसको स्टार्ट करिए, राइट डाउन बेटा, आपको दिया गया है एन अल्मीनियम वायर एंड अल्मीनियम वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, कैलकुलेट the resistance, calculate the resistance at a temperature 60 degree centigrade, given that alpha is 2.7
6 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, इतना आपको अल्फा उन्होंने दे रखा है। चेक करिए और बताइए बेटा व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। ऑल ऑफ यू बेटा डियर चिल्ड्रन चेक करिएगा, देखिएगा बेटे व्हाट इट इज देयर। हाँ जी पुत्र जी, सेम फॉर्मूला है ये वाला जो आपने अडॉप्ट कर लिया है, रेजिस्टेंस एट ए टेम्परेचर टी माइनस रेजिस्टेंस एट टी नॉट, दिस इज इक्वल टू अल्फा इनटू आपके पास सॉरी आर था, यहां पर अल्फा नहीं था, रेजिस्टेंस एट टी नॉट 1 + α t - t0। खाली कैलकुलेशन है बेटा, जल्दी से करके देख लीजिएगा फिर चलें आगे बेटे। ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, ये सारे का सारा तरीका आपका सेम रहेगा, कोई अलग नहीं है। सारे बच्चे पुत्र करके देखो व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। ऑल ऑफ यू बेटा, जो पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, रेजिस्टेंस एट टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड 30 ओम है बेटा, और अल्फा आपको बच्चों जो है 2.6 × 10⁻⁶ दिया गया है। टी माइनस टी नॉट बच्चों कितना बन गया जी, 60 - 30 बन गया टी माइनस टी नॉट। अब कुछ भी नहीं बचा, सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखिए कितना आ रहा है। ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन देख लीजिएगा, गुड करिएगा बेटे, लगाइए 1-2 मिनट्स। आई विल आल्सो बी सॉल्विंग, देन फिर हम अपना टैली कर लेते हैं आंसर्स बेटे। करके देखो सारे स्टूडेंट्स बेटे, अंशिका, आशिमा, बलजिंदर, भूमिका, हरलीन, हरसिमरन कौर, जयदित्य, कनिष्का, कार्तिक, काविश, केशव, सारे बच्चे बेटे देखो करके, सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा। यस डियर ऑल, वेटिंग फॉर योर कैलकुलेशन एंड योर आंसर बेटे। चलिए मैं भी करता हूं, आप भी करिए बेटा। रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इट वाज, ये नहीं आएगा फिर, ये तो हम उधर शिफ्ट कर गए थे ना टर्म को बेटा। रेजिस्टेंस एट टी नॉट ये आपको दिया हुआ है 30 और इट इज 1 + α 2.6 × 10⁻⁶ और बेटे टी माइनस टी नॉट जो है ये आपका 30 डिग्री आपको उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ। सो रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री ये आ गया 30 × 1 + ये मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए।78 आ जाएगा ये, 10⁻⁶ साथ में आ गया, पॉइंट्स एडजस्ट कर लीजिए। रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इज 30 × 1 + ये बन गया जी 0.00007 and 8, ये आ गया जी। रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30 + 30 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 60 डिग्री बन गया 30.00234 ओम। चेक कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा,
इस डेटा के अकॉर्डिंगली आपका रेजिस्टेंस इतना जो है एट द रेज टेम्परेचर बन जाता है। और यहाँ से बेटे हमारा ये कंफर्मेशन हो जाता है फिर कि जैसे जैसे आप कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी इसी तरीके से देखा था कि लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम था, जब आपने टेम्परेचर रेज किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बेटा इम्प्रूव हो गई थी। तो जैसे हमने थ्योरी में डिस्कस कर रखा है कि अगर आपके पास मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, तो इनके केस में विद द राइज इन द टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप बेटे टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम भी हो जाएगा। सेकेंडली आपने कहा था अगर आपके पास बेटे सेमी कंडक्टर्स हैं तो सेमी कंडक्टर्स के केस में जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर कम हो जाता है, वो उल्टा है इनके केस से। और एक आपको याद होगा हमने कंस्टेंटन और मैगनिन दो मटेरियल्स की बात की थी, दो अलॉयज की बात की थी। इन अलॉयज का बेटे स्पेशल फीचर यही है कि इनको आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्टेंटन और मैगनिन व्हाई दीज टू अलॉयज आर प्रेफर्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। बहुत ही ध्यान से उत्तर सुनिएगा। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स पहले होती क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि कंस्टेंटन और मैगनिन को क्यों यूज किया जाता है। लेट अस फोकस बेटा, आपके पास एक मीटर रॉड है, मीटर स्केल है, आप उसके साथ किसी लेंथ को मेजर करते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ किया अपनी नोटबुक पे या किसी पेज पे, आप उस लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रॉड का यूज करते हो और मीटर रॉड आपका मेटल का बना हुआ है, ये इमेजिन करिएगा। हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा, सीजन बदलेगा, गर्मियों की अगर हम बात करें जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर 50 के आसपास हो जाता है, प्रेजेंटली टेम्परेचर 10 और 20 के आसपास होगा, तो अगर जिस चीज़ के साथ आपने लेंथ का मेजरमेंट करना है टेम्परेचर बदलने के साथ वो चीज़ की अपनी लेंथ ही बदल जाए तो आपका रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं होगा। फिर से पुत्र ध्यान दीजिएगा, आप लेंथ का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ ए मीटर रॉड मेड अप ऑफ मेटल करना चाहते हैं। आपने स्टार्ट कर लिया लेंथ का मेजरमेंट और उसकी वैल्यू नोट कर ली। अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स के बाद जब टेम्परेचर 50 के करीब हो जाएगा आप फिर से अगर लेंथ मेजर करोगे, मेटल में एक्सपेंशन तो होगा टेम्परेचर के साथ, तो थोड़ी सी आपकी लेंथ में वेरिएशन आ जाएगी। इसका मीनिंग बच्चों ये हुआ कि जिस चीज के साथ आप लेंथ मेजर करना चाहते थे वो खुद ही बदल गई, तो आपकी लेंथ तो कभी सही आ ही नहीं सकती। वही केस इधर रेजिस्टेंस कॉइल के साथ है। जैसे आपका मीटर रॉड है वैसे रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल होता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल यूज करके आप किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू लेबोरेटरी में फाइंड आउट करते हो, मेजर करते हो। अगर बच्चों आपके स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल का खुद का ही रेजिस्टेंस बदल जाए विद द राइज इन द टेम्परेचर, तो बेटे आपका जो मेजर्ड रिजल्ट है, मेजर्ड रेजिस्टेंस है आपके कंडक्टर का, वो सही नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए जो कंस्टेंटन है एंड या और कह लीजिए मैगनिन, ये दोनों ही अलॉयज हैं बेटा, इनको आप यूज करोगे जब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। बेटा इनके लिए जो अल्फा है दैट इज पॉजिटिव बट बेटे वेरी वेरी स्मॉल बेटा। तो ये अल्फा अगर स्मॉल होगा, यहाँ पे भी काफी स्मॉल ही था वैसे तो, ये मे बी अगर आप इसको देखें तो 30 डिग्री के बाद बिल्कुल माइन्यूट सा राइज टेम्परेचर में देखने को मिला है एंड इट विल गो इवन अननोटिस्ड बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, अगर अल्फा है तो पॉजिटिव इनके लिए, लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी थोड़ी है, छोटी है, कम है, तो इससे आप जब इनके बने हुए रेजिस्टेंस कॉइल्स के साथ हाई टेम्परेचर पर
रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करोगे आपका रिजल्ट ठीक आएगा, गलत नहीं आएगा। सो दिस इज द रीजन फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स स्पेशली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मटेरियल दैट इज कंस्टेंटन और मैगनीन। सो इन दिस वे बेटे आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हो और जरूरत पड़ने पर इसका आंसर बच्चों दे सकते हो। तो कल मैं सैंपल पेपर्स लेके आऊंगा, वहां से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए दो तीन छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मेरे पास और हैं, इनको कंप्लीट कर लें, देन वी विल शिफ्ट टू द मॉडल न्यूमेरिकल्स इन योर सैंपल पेपर्स। बेटा आपको बेटे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल इसमें दिया गया है, द वैल्यूज ऑफ द करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। लिख देता हूं बेटे मैं, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर आर गिवन बिलू, आर गिवन बिलू। आपको बेटी उन्होंने टेबल की फॉर्म में ये वैल्यूज दी हुई है, आइए इन वैल्यूज को मैं लिख दूं, आप चेक करिएगा साथ साथ। आई इट इज इन एम्पियर्स, दिस इज 0.5, 1.0, 1.5, देन बेटी 2.5, देन बेटी इट इज 3। एंड वाली वैल्यूज को ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये डिफरेंस सेम नहीं है। और वी इट इज इन वोल्ट्स, 1, 2, 3, 4.5 एंड हेयर इट इज 5। आपको कहा गया है प्लॉट, इट इज सेड टू यू दैट बेटे प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई and calculate the resistance of the conductor. Plot the graph between V and I and calculate the resistance of the conductor. तो ये बच्चों आपको कंडक्टर का रेजिस्टेंस इस ग्राफ की वैल्यूज प्लॉट करके वर्कआउट करना है। आप ड्रॉ करने की कोशिश करिए और उत्तर कैलकुलेट करने की भी कोशिश करिएगा। आई विल आल्सो बी डूइंग द सेम। सो फिर हम बेटे कैलकुलेशन करके अपना जो है आंसर्स मैच करके देखते हैं। आप वर्टिकल एक्सिस पे करंट ले सकते हो बेटा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप बी ले सकते हो। इन दिस वे इन एक्सिस पे आपने बी और इन एक्सिस पे आपने बच्चों आई लिया। बी आपका जो है ये बेटा 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसे आप ले सकते हैं। करंट आपका 3 तक जाता है, ये 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 इंटरवल्स थोड़ा बराबर के आप ड्रॉ कर लीजिएगा और देन इसको देखिएगा बेटा कि किस हिसाब से आप अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आइए देखें, 1 volt per 0.5 ampere है आपका करंट, तो इट कैन बी शोन लाइक दिस। ये आ गया आपका पॉइंट, 2 volt per 1 ampere, दिस इज 2 volt एंड हेयर इट गोज लाइक दिस बेटा।
3 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर्स, 3 वोल्ट पर दिस इज 1.5 एम्पीयर्स, दिस इज द पॉइंट, एंड 4.5 पे 2.5, दिस इज द पॉइंट 2.5, ये 4.5 करीब करीब यहां पे होगा और यहां पे आप पॉइंट मार्क करोगे, एंड 5 वोल्ट पर 3 एम्पीयर, दिस इज 3 एम्पीयर, और ये आपका आ गया जी 5 वोल्ट्स पे, राइट जी। इन पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को आप विद द हेल्प ऑफ द स्केल ज्वाइन कर दीजिए। मेरे पास ऐसी लाइन बन रही है, आप अपना बना के देखिए कैसे लाइन बन रहा है। ये पॉइंट्स मेरे लाइन पे नहीं आ रहे, हो सकता है ग्राफ पेपर यूज करें तो शायद लाइन पे आ जाए, अदरवाइज ये ग्राफ आपका जो है ये मेरे पास तो कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब कि इस वोल्टेज पर करंट जो है ये ज्यादा इसने राइज शो किया है। अब आपको उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर निकाल के बताइए, तो बेटे आई विल बी फोकसिंग अपॉन दिस पार्ट ऑफ दिस, ये वाले पार्ट पे फोकस करूंगा, अदरवाइज अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे हो सकता है कि आपका सेपरेट लाइन आ जाए, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस में भी इक्वल ना मार्क किए गए हो। तो ये ओ पी क्यू ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, ओ पी क्यू ट्रायंगल में मेरे पास दिस साइड आई है, दिस साइड बी है, तो आई विल गेट 1/r, इट इज इक्वल टू आई आपका है 1.5, बी आपका है 3, उल्टा कर दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 2 ओम आ जाना चाहिए। सारे बच्चे पुत्र एक बार चेक कर लो और मुझे बताओ कि ये 2 आ रहा है या कोई डिफरेंट वैल्यू आ रही है, और अदरवाइज अगर मैं ये पॉइंट यूज कर लूं बेटे ये वाला एज सच, देन इट विल बी डिफरेंट बेटा। इसमें देखिए आपके पास 1/r आ जाएगा जी 5/3, एंड r विल बी नहीं 5/3 नहीं 3/5, एंड r विल बी 5/3, एंड रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.67 ओम, अगर आप टॉप एज चूज करने वाले हो। सो इन दिस वे बेटे अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो मुझे लग रहा है कि आपका सेपरेट लाइन बन जाएगा, आप अकॉर्डिंगली जरूर चेक कर लीजिएगा। इन द नटशेल टेक्निक आपने कौन सा यूज करना है, आप पूरा ग्राफ बनाकर जो भी आपका इस तरीके से ग्राफ बने उसका स्लोप निकाल लीजिए और ये चेक कर लीजिए कि स्लोप आपको आर दे रहा है कि 1/r दे रहा है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप बेटे वहां से आर की कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा। सो दिस वॉज द न्यूमेरिकल। एक और है छोटा सा बेटा, आइए वो भी कंप्लीट कर लें, देन फिर हम बेटे डिस्कशन ऑफ द सैंपल पेपर्स एज गिवन बाय CBSE जो है वो स्टार्ट करेंगे, कल से ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट करेंगे। आप अपने सारे फॉर्मूलाज कंसेप्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट कि सैंपल पेपर्स को हम फटाफट डिस्कस करके बेटे जो है अपना अहेड देखें कि हमने क्या करना है आगे बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपके किसी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। ए सिलेंडर ऑफ मटीरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए सिलेंडर ऑफ ए मटीरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज ए क्रॉस सेक्शन एंड हैज ए क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर करना क्या है आपको। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ओम, इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ओम, वट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी, वट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी। रो आपको निकालने को उन्होंने कहा है कि रो कितना होगा, रेजिस्टिविटी पुत्र कितना होगा। सो
जो चीजें आपको दी गई हैं कि सिलेंडर ऑफ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, या 0.1 मीटर कह लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कह लो, और रेजिस्टेंस डियर चिल्ड्रन आपको 20 ओम दे रखा है, रेजिस्टिविटी रो निकालनी है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज R इंटू ए अपॉन एल, सब कुछ आपके पास है, जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी बेटा। ऑल ऑफ यू पुत्र मेक कैलकुलेशन, देखिए सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं, लेंथ सिलेंड्रिकल वायर का आपके पास है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास है, रेजिस्टेंस आपके पास है 4, राघव इज सेइंग इट इज 4 ओम, चेक करिए सारे स्टूडेंट्स बेटा, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग फॉर द सेम, दिस इज 20, एरिया 2 × 10⁻⁴ बेटा जी, लेंथ आपके पास बन गया जी 10⁻⁰, लिख देता हूं मैं 0.1 को, तो 2 × 2 = 4, ये पावर ऊपर चला जाएगा, ये एक ये है, एक ये है प्लस 2 और ये आपका -4 है, सो रो बन गया जी 0.04, राघव आ रहा है बेटा ओम मीटर, चेक करना राघव, राघव अरोड़ा 0.04 ओम मीटर में आ रही है कैलकुलेशन, ठीक है जी, ठीक है बेटे, वेरी नाइस। बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा चेक करिए, सारे बच्चे चेक करके देखो पुत्र, सबका आंसर बन रहा है, रेजिस्टिविटी कैलकुलेशन में भूमिका इज गेटिंग इट सॉल्व, वेरी नाइस भूमिका। बाकी स्टूडेंट्स भी पुत्र चेक करिए, सारे बच्चे बेटे, अंकिता है सॉल्व, वेरी नाइस अंकिता, अंशिका सॉरी अंकिता नहीं अंशिका, गुड वेरी गुड। ये लास्ट न्यूमेरिकल ये है हमारा बेटा, सारे बच्चे सॉल्व कर लीजिए, बलजिंदर कौर, हरलीन, हरसिमरन कौर, कनिष्का, कार्तिक, काविश, केशव कालड़ा, कीर्ति, अखिलेश, हाँ जी पुत्र जी, सबका हो गया बेटे। सो डियर चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर द डे, कल आई विल बी कैरिंग विद मी सैंपल पेपर्स फ्रॉम द CBSE, उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, कल तक आप अपने सारे फॉर्मूलाज पुत्र एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार बेसिक कंसेप्ट्स को देख लेना, सो दैट कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग द सैंपल पेपर्स आपको कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू डियर ऑल।